यूपी के बुलंदशहर में फुफेरी बहन की शादी में शिरकत करने गई नाबालिग किशोरी के साथ उसके ही रिश्ते के भाई और उसके दोस्त ने रिवॉल्वर की नोक पर गैंगरेप किया। अपनों की ही हवस का शिकार हुई पीड़िता पिछले एक महीने से कोमा में थी और अब जैसे ही कोमा से बाहर निकली तो पीड़िता ने कागज पर लिखकर अपने साथ हुई दरिंदगी की कहानी परिजनों को बताई। पुलिस ने दो दरिंदों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फाइट एंड कोलांची एसएसपी बुलंदशहर। पीड़िता के परिजनों की माने तो आरोपी के पिता के मायावती से राजनीतिक रिश्ते हैं और वैवाहिक कार्यक्रमों में आना जाना है। मायावती से नजदीकी के चलते ही दबंगों ने पीड़िता के परिवार पर रिपोर्ट दर्ज न कराने का दबाव बना रखा था। मायावती से नजदीकी रिश्तों का जिक्र दर्ज रिपोर्ट में भी किया गया है। बाइट ओम प्रकाश पीड़िता का पिता। बहरहाल इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते भी दरिंदों की हैवानियत का शिकार हो रहे हैं। अपना शादी की है 14 तारीख की बात है जी। जिस शादी में आई हुई अपनी जो है इसके जो बुआ का ही लड़का है और उसका एक दोस्त ने मिल करके इससे जो है गलत। तो बिटिया मतलब अब तक कहाँ एडमिट थी, क्या परेशानी? अलीगढ़ में भिन्न भिन्न जो है स्पेशलिस्टों के लिए इलाज कराते जी। अब FIR करा दी आपने? FIR तो ये चीज़ बिटिया ने लिख के दी थी? लिख करके दी है। अरे बताइए जो लोग हैं वो मायावती से उनके कोई संबंध? ये संबंध वाले बात तो वो जाने, लेकिन हर शादियों में वहाँ से कोई ना कोई परवाह। कहाँ से? कहाँ से? दिल्ली से। मायावती कहाँ से? हाँ रेप किया गया, बता जा रहा तमंचे के बल पर शरीर रेप की घटना को अंजाम दिया है। क्या मामला, किस तरह की कार्रवाई की गई है? अलीगढ़ से उनकी सिस्टर का परिवार का शादी में इंक्लूड परिवार के साथ को आया, उन्हीं का बेटा मतलब आदमी का सिस्टर का बेटी का इन्हीं का बेटा, वो फादर का लाइसेंसी वेपन के बल पर उनकी दोस्त के साथ बलात्कार कर दिया। घटना के बाद वो लड़की ऐसे कोमा में चली गई। 14/4 का घटना है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। अभी 2 दिन के पहले कोमा से बाहर आया, अभी भी बोलने के स्थिति में नहीं है। लिख करके बताया क्या क्या घटना हो गई। अभी FIR लिख करके उन्हीं का मुलजिम का अरेस्ट हो गई, एक का अरेस्ट हो गई, दूसरा मुलजिम का भी जल्दी अरेस्ट करने के लिए पूरी प्रयास चल रहा है। इसी में फादर का लाइसेंसी वेपन का यूज़ करके उन्हीं की सन उन्हीं का सिस्टर का बेटी का ऐसे बलात्कार कर दिया। अभी वो फादर का लाइसेंसी वेपन का कैंसिल करने के लिए मैं रिपोर्ट भेज रहा हूँ। जल्दी से जल्दी रिपोर्ट भी, उनका लाइसेंसी वेपन भी कैंसिल होगा, दूसरा मुलजिम का भी अरेस्ट होगा। किसी को सभी लाइसेंसी वेपन होल्डर का मेरा निवेदन है, असला का सुरक्षित रखो, किसी को ऐसे नाबालिग का कोई दूसरा का हाथ में वो ना मिलना, ये मेरा निवेदन है। अच्छा सर, FIR में जिक्र किया गया है कि सर जो आरोपी पक्ष है उसका किसी बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध है, तो क्या सर उसमें भी कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी? अभी जांच में आएंगे जी, इसमें क्या है ये कारण, ये तो एक महीने के बाद ही FIR हो रहा है। कारण पूछने के समय ये आया, कोमा में चली गई, अभी कंप्लेंट वो मतलब लिख करके बोल रहा है, जांच में आएंगे इसमें क्या क्या है जांच में। ठीक सर। मोरू में आई एक नाबालिग लड़की के साथ दबंगों ने किया बंदूक की नोक पर गैंगरेप। मामला थाना पहासुका है। मैं सुल्तान अंसारी, CMN न्यूज़।